हेलो एवरीवन, मैं हूँ शैलेश। दोस्तों, आज बात करेंगे कि अगर आपको कोई धोखा दे तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, जहाँ तक हो सके ऐसा काम ही मत करो कि आपको किसी को धोखा देना पड़े। क्या लेके जाओगे धोखा देकर? कुछ नहीं मिलता दोस्तों, न दिन की न रातों की नींद, न दिल का चैन। बहुत आसान है धोखा देना, लेकिन बहुत मुश्किल है उसे भुलाना। अगर आप किसी को बुरा कहते हो, बुरा करते हो सकता है वो आपको माफ़ कर दे, लेकिन वो भुला नहीं पाएगा। अगर आपने किसी को चाटा मारा है तो हो सके वो आपको माफ़ कर दे, गले लगा दे, लेकिन मरते दम तक वो भूल नहीं पाएगा कि आपसे ये गलती हुई। क्योंकि इंसान का मन ही ऐसा है, चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, लोग हमेशा याद रखते हैं। इसीलिए कभी भी धोखा मत दीजिए किसी को भी, ना पैसे के लिए, ना कोई प्यार में, ना ही जो भी है। सच बोलिए, सच बोलने से अगर आपको सुकून मिलता है, सामने वाले को भी सुकून मिलता है, तो फिर बोलने में क्या जाता है। इसीलिए लाइफ में कुछ भी हो जाए, किसी को धोखा मत। बहुत सारे लोग पैसों के लिए विश्वासघात करते हैं, रिलेशंस में, अपने फैमिली में, बहुत सारे लोग, लेकिन इससे कुछ नहीं मिलता। जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो सूद समझ आपको वापस देना पड़ता है। इसलिए कभी किसी का कोई भी हिस्सा ना लो, किसी का हिस्सा खाने की ट्राई भी मत करो। जो भी है बांटो, जितना आप बांटोगे उतना आपको लाभ होगा। धोखा खा लेना, मगर धोखा देना मत। धोखा खाने वाले को तो नींद आएगी, धोखा देने वाले को कभी नींद नहीं आएगी। हो सके तो उसको माफ़ कर दो, अगर ना समझे तो अपने रास्ते अलग कर दो, लेकिन लड़ो मत। लड़ने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि इंसान दुश्मन तभी बनाता है जब वो लड़ने के लिए बेकरार होता है। अगर आप लड़ने के लिए बेकरार नहीं हो तो भाई आपको गाली दे के जाएगा तो भी आप नहीं लड़ोगे। आपके मन में अगर लड़ने की इच्छा है तो आप किसी से भी लड़ लोगे, कुत्ते से भी लड़ लोगे, किसी जानवर से भी लड़ लोगे, पर या अगर घर में अकेले हैं तो अकेले लड़ लोगे, अपना सर पीटोगे। इसीलिए अपनी मन की जो भावना है उसको समझो, उसको सुधारो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।